एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस एज ए प्योर सॉल्ट। फर्स्ट पार्ट दिया है हमारे पास 7√3, इसको प्योर सॉल्ट की फॉर्म में लिखना है। प्योर सॉल्ट का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर बाहर है उसको आपने रेडिकेंट के तौर पे अंदर लेके जानी है। वो कैसे लेके जाएंगे, हमें पता है कि ये जो सॉल्ट है इसमें इंडेक्स नंबर 2 है, तो इसका मतलब 7 को अगर 2 टाइम्स अंदर ले जाते हैं तो वो रेडिकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है, जितना इंडेक्स नंबर है उतने टाइम्स इसकी पावर कर दो, उतने टाइम्स इसको अंदर ले जाओ एज ए रेडिकेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इनको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 147। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है 3, इंडेक्स नंबर 3 16। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब हमें मालूम है कि इसका इंडेक्स नंबर 3 है, प्योर सॉल्ट बनाने के लिए इसको हमने रेडिकेंट बनाना है। रेडिकेंट बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, जो यहां इंडेक्स नंबर है उतनी इसकी पावर लगा देंगे और इससे अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम सोल्व कर लेंगे और सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 4.3.2। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है 5/8 24। अब हमने इसको प्योर सॉल्ट बनाना है जैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो आप प्योर सॉल्ट बनाने के लिए इसको रेडिकेंट बनाना पड़ेगा। रेडिकेंट बनाने के लिए हमने देखना है इंडेक्स नंबर कितना है, जितना इंडेक्स नंबर है उतने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब इंडेक्स नंबर इसमें 2 है, अगर कुछ ना दिया हो तो 2 है, तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ठीक है इसको आपने सोल्व कर देना है, और सोल्व करने के बाद जब भी हम इसको सोल्व करेंगे जो भी हमारा आंसर आएगा उसको आपने यहां पर लिख देना है, ठीक है।